बात करते हैं चित्रकूट विधानसभा की। यहां पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रचार के आखिरी दौर में पूरी ताकत झोंक रही है। आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित कई दिग्गज नेताओं की जनसभाएं चित्रकूट में होंगी। डॉक्टर रमन सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, विधायक नारायण सिंह चंदेल, शिवरतन शर्मा, पूर्व मंत्री केदार कश्यप जैसे दिग्गज नेता भी चुनावी माहौल बनाएंगे। बीजेपी की चार प्रमुख सभाएं आज किलेपाल, तिरथुम, रायकोट और तोकापाल में होगी। आपको बता दें कि चित्रकूट उपचुनाव को लेकर अब बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस चुनाव को किस तरह जीता जाए इसको लेकर दोनों ही बड़ी पार्टियों में दौड़ लगी हुई है, होड़ लगी हुई है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि बीजेपी लगातार किलेपाल, तिरुथम, रायकोट और तोकपाल में सभा करने जा रही है। हमारे साथ हेमंत शर्मा जुड़ चुके हैं रायपुर से। हेमंत, जिस तरह हम देखें कि कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी माहौल बनाने में जुट गई है, कई दिग्गज मैदान में उतर आए हैं, क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? देखिए सर, 21 अक्टूबर को चित्रकूट उपचुनाव होना है और देखा जाए तो प्रचार में कहीं बीजेपी से आगे कांग्रेस निकल के दिखाई दे रही है। हालांकि आज थोड़ा प्रचार को मैनेज करने के लिए बीजेपी की चार सभा चित्रकूट के इलाके में होनी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और तमाम जो दिग्गज नेता हैं भाजपा के, वो सभा करने वाले हैं। सभी की वहां पर आज मौजूदगी रहेगी और एक तरीके से कोशिश है बीजेपी की कि दंतेवाड़ा में जिस तरीके से हाल बीजेपी का हुआ वैसा हाल चित्रकूट में न हो, इसीलिए पूरी ताकत आवाज से बीजेपी वहां पर झोंकेगी क्योंकि तीन दिन का ही समय है। चुनाव के एक दिन पहले प्रचार थम जाएगा, दो दिन पहले प्रचार थम जाएगा और ऐसे में कोशिश है बीजेपी की कि ज्यादा से ज्यादा इलाकों में उनकी सभा हो, जो आम मतदाता है उनके पास वो पहुंचे। तो आज चार सभा उनकी होने जा रही है और पहले से ही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो जो पीसीसी अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम, वो वहां पर लगभग 10 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। इस तरीके से उनकी मौजूदगी दंतेवाड़ा में भी रही थी और एक तरीके से सफलता वहां पर मिली, उनकी मेहनत का फल वहां पर मिला, तो अब वो उसी तरीके से मेहनत वहां पर करते नजर आ रहे हैं और उसका हालांकि उसका फायदा मिलता है या उसका नुकसान उनको मिलता है ये तो देखने वाली बात होगी 24 अक्टूबर जब नतीजा आएंगे उस दिन क्लियर होगा। लेकिन अब दोनों ही पार्टियां पूरी तरीके से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। यदि बात करें क्योंकि स्टार प्रचारक भी इस उपचुनाव के लिए सौंपे गए थे कि स्टार प्रचारक भी आएंगे, तो रमन सिंह की बात करें, रेणुका सिंह की बात करें, ये लोग तो है, और क्या लगता है कि इन दो दिनों के भीतर कोई स्टार प्रचारक भी आने वाला चित्रकूट में? देखिए दोनों पार्टियों की तरफ से कोई स्टार प्रचारक बाहर से नहीं आने वाला क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होना है, सभी जो राष्ट्रीय नेता हैं वो चाहे कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, तमाम जो नेता हैं वहां पर वो समय दे रहे हैं। तो इसके ये नहीं लगता कि इन दो दिनों में यहाँ पर कोई आएगा और ऐसे पहले उम्मीद भी नहीं जताई जा रही थी। हालांकि स्टार प्रचारक सूची में नाम जरूर शामिल किया गया था लेकिन संभावना बिल्कुल नहीं है कि कोई राष्ट्रीय नेता यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर आए। जो स्थानीय नेता है चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भाजपा की बात करें, वही वहां पर चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं जाहिर तौर पर, क्योंकि एक बड़ा इस चुनाव की हम बात करें तो काफी ताकत झोंकने वाली बात कही जा रही थी इसको लेकर, लेकिन ये बड़ी बात है कि कोई बड़ा नेता इस चुनाव प्रचार में नहीं आ रहा है। बहरहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत।